आज की हमारी रेसिपी है पनीर की सब्जी, जो बहुत ही सिंपल तरीके से प्योर वेज में बनाया है, विदाउट प्याज लहसुन अदरक के, सिर्फ टमाटर और बेसिक मसालों से बना है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग में। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर की बहुत ही वेज सब्जी, बहुत ही टेस्टी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो पनीर, और इसको मैं जिस तरह हम पनीर का साइज़ में कट करते हैं उसी तरीके से हम पनीर को कट कर लेंगे चौकोर साइज में। और बहुत ही सिंपल तरीके से बना है। आप अगर फास्ट वगैरह है और प्योर वेज बहुत लोग नहीं खाते हैं प्याज लहसुन, तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल मैंने पनीर के साइज में कट कर लिया है, और साथ ही मैंने लिया है डेढ़ टमाटर, और इसको भी हम टुकड़े टुकड़े काट कर लेंगे। आप छोटे बड़े कैसे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें पेस्ट बनाना है। यहाँ पे डेढ़ टमाटर लिए हैं, इसको हमने मिक्सर जार में ऐड कर दिया है। साथ ही में इसमें डाला है मैंने एक चम्मच जीरा, उसमें डाला है मैंने दो से तीन लौंग, तीन से चार मैंने काली मिर्च डाली है, और इसमें दो से तीन मैंने इलायची डाली है। साथ ही में इसमें हम चार से पांच हम काजू ऐड कर देंगे, और इसका अच्छा सा बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। आप चाहे तो थोड़ा सा पानी ऐड करके भी पेस्ट बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और खाने में उतना ही टेस्टी है। बहुत सिंपल रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिए। यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के बाद उसमें छः से सात चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया है। तेल गरम होने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे दो तेज़पत्ता और साथ में आधा चम्मच जीरा। थोड़ा सा चटकने के बाद, यहाँ पे मैं पनीर फ्राई करना भूल गई थी, तो अभी हम पनीर को फ्राई कर ले रहे हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप कभी भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसमें उसी तेल में मैं पनीर को फ्राई कर ले रही हूँ, और हम इसको थोड़ा सा फ्राई करने के बाद, 102 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ मेरे पनीर फ्राई हो चुके हैं, इसे मैंने नॉर्मल पानी में डिप कर दिया है, इससे पनीर अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। इसी तरीके से फ्राई कर लीजिए, आप पहले फ्राई कर लीजिए, एक्चुअली मैं भूल गई थी। उसी तेल में मैंने हमारा टमाटर का पेस्ट, काजू का पेस्ट हमने ऐड कर दिया है, और इसे अच्छे से हमें भून लेना है जब तक कि पूरा ऑयल बाहर ना आ जाए। और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। इसी तरीके से हम इसे तीन से चार मिनट तक पका लेंगे। आप देखेंगे पूरा ऑयल बाहर आ जाएगा, तो मैं इसे थोड़ी देर ढक के पका लूँगी 102 मिनट के लिए, कि ऑयल अच्छे से पक जाए, मसाले भी अच्छे से पक जाए। तो आप देख सकते हैं ऑयल पूरा बाहर आ चुका है, हमारी सब्जी कि जो हम लोग मसाले फ्राई किए हैं वो अच्छे से पक चुके हैं, ऑयल बाहर आ चुका है। यहाँ पे हम मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर और एक चम्मच जीरा पाउडर ऐड करके हम अच्छे से भून लेंगे। इसी तरीके से हमें भून लेना है, और जब तक पूरा ऑयल बाहर ना आ जाए, अच्छे से पक नहीं जाए, तब तक हमें पका लेना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, खाने में बहुत टेस्टी है। बहुत लोगों को हमें प्याज लहसुन पसंद नहीं आता है, बहुत लोग नहीं खाते, जो प्योर वेज होते हैं वो इस तरीके से बना के खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए। यहाँ मसाले पक चुके हैं, इसमें हम पनीर को ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे अभी नमक ऐड नहीं किया है, हम बाद में यहाँ नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पनीर को ऐड कर दिया है, उसे थोड़ी देर हम इस तरह से मिलाने के बाद थोड़ा सा पका लेंगे 1 से 1.5 मिनट तक के। और पकने के बाद में हम इसमें जो हमने पनीर को डिप किया था जिस पानी में, वो पानी को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, झटपट बन जाता है। और इसके अलावा इसमें हम एक्स्ट्रा मसाले नहीं ऐड करेंगे, और ये रेसिपी बहुत लाइट है, खाने में बहुत ही टेस्टी भी है। आप लोग बनाइए, खाइए और बताइए कैसा बना है। बिल्कुल प्योर वेज में आता है, आप अगर चाहे तो इस तरह से बना सकते हैं। बना के आप खाइए, बताइए कैसा बना है। तो यहाँ पे हम नमक ऐड कर देंगे, यहाँ पे हमने नमक ऐड कर दिया है। वीडियो आप लोग 2 से 3 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं ऑफ। हमारी सब्जी बनके पूरी रेडी है, बहुत ही सिंपल रेसिपी है और खाने में बहुत ही टेस्टी है, प्योर वेज है। आप लोग बनाइए, ट्राई करिए, खाइए। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबा दीजिए कि आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर बना है और खाने में उतना ही टेस्टी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।